तो दोस्तों आज की वीडियो तो यहाँ पे हम अपनी गाड़ी को जो ड्राइव कर रहे हैं और आपको पता है गाड़ी को लेने के कुछ समय बाद जो कुछ समय तक तो गाड़ी आपकी ठीक चलती बट कुछ समय बाद जो है गाड़ी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो फैक्टर बनता है जब भी आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं कभी कभी होता है ना कि बहुत ज़्यादा अगर कहते हैं ना गलत तरीके से अगर ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी में हो सकता है कि दिक्कत आ जाए फ्यूचर में। ठीक है, तो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते मिल जाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाया गया, उनको फॉलो कर लीजिएगा। देखिए एक्चुअली में होता है क्या, अगर गाड़ी को आप ठीक तरीके से ड्राइव कर रहे हैं तो आपको लंबे समय तक वो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाली है, लेकिन अगर गाड़ी को बहुत ज़्यादा मतलब रफली ड्राइव कर रहे हैं ना तो उसका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा कम होने वाला है, मोर देन कह सकते हैं कि जो है इसके कंपेरिजन में। ठीक है, अब एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, देख सकते हैं हम गाड़ी को जो है ड्राइव कर रहे हैं, अब होता क्या है कि जब भी डैमेज रोड होती है या फिर कोई ख़राब रोड होती है तो वहाँ पे भी आप गाड़ी को सोचते हैं नहीं भाई चलो दबा के ले चलते हैं, हाँ चलो मजबूरी है भाई किसी चीज़ की तो ठीक है भाई डेफिनेटली वहाँ पे कोई जो है बात है तो चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब बिना बात के अगर आप गाड़ी को फिर भी सोच रहे हैं नहीं गड्ढे वड्ढे में जैसे जैसे मर्जी आ रही है वैसे चला रहे हैं, गियर का कोई मतलब शिफ्टिंग नहीं है, कहाँ पर कौन सा गियर यूज़ करना है कहाँ पर कौन सा गियर नहीं यूज़ करना है। ठीक है, अब मान लीजिए और धीरे चल रहे हैं, चौथे गियर पर चल रहे हैं या फिर तीसरे गियर पर चल रहे हैं तो वहाँ पर भी जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कई सारी चीज़ों पर। ठीक है, इसके इलेक्ट्रिकल पार्ट होते हैं जो उसमें कई सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो प्रॉब्लम छोटी छोटी बनती है ना इन्हीं सब कारणों से बनती है। ठीक है, और ऑफ रोडिंग में जब भी आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं जहाँ पे गड्ढे वगैरह आते हैं वहाँ पे अगर आप ब्रेक नहीं लेते पूरे अच्छे तरीके से और जिससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए तो आपको ईजिली जो है गाड़ी को आराम से प्यार से निकालनी होती है। ठीक है, अब जब अगर गाड़ी को आप आराम से चलाएंगे ना तो गाड़ी आपको लंबे समय तक रिस्पॉन्ड करने वाली है और लंबे समय तक जो है यहाँ पे आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं जो अगर गाड़ी को आपको लंबे समय तक चलाना है ना भाई आपको गाड़ी को ना केयर करके चलाना पड़ेगा, मतलब हर चीज़ देखना है और यहाँ पे रेगुलरली आपको इसके जो इंजन पार्ट होते हैं उसमें रेगुलरली आपको चेक करना है, कोई अलग साउंड तो नहीं आ रही, क्योंकि कभी कभी होता है ना लंबे यूजेस के बाद अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो लंबे यूजेस के बाद जो साउंड होती है ना बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, स्टार्टिंग की साउंड होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो है जब साउंड ये चीज़ चेंज होती हैं तो इनको जो है मेंटेन आपको करके रखना है, मेंटेन करके रखना पड़ेगा क्योंकि भाई अगर आप मेंटेन करके रखेंगे तभी जो है आप अपनी गाड़ी को एक लंबे समय तक के लिए जो यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, बाकी आपको गाड़ी को आराम से इजीली जो है ड्राइव करना होता है। ठीक है, और हाईवे पे भी जब भाई चल रहे हैं तो आराम से आपको यहाँ पे स्पीड पकड़ लेनी है, वहाँ पे हाईवे पे भी यानी कि बहुत धीरे चल रहे हैं, अगर ज़्यादा धीरे चलेंगे तब भी दिक्कत है, ज़्यादा तेज चलेंगे तो भी दिक्कत है, लेकिन एक एवरेज स्पीड के साथ आपको चलना है। ठीक है, और भाई ये चीज़ें होती है कि ड्राइविंग से रिलेटेड होती है जो कि अगर आप इनको लेके चलते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होती है फ्यूचर में। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं जो कि मैंने आपको डिस्कस की ड्राइविंग से रिलेटेड, तो आप ज़रूर से इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा और डेफिनेटली जो फॉलो करेंगे तो उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, और हालांकि सभी लोग अपनी गाड़ी को अगर जिसकी खुद की गाड़ी होती है वो तो भाई आराम से ही मेंटेन करके चलते हैं, बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि गाड़ी किसी और को देना पड़ जाए तो वहाँ पर वो दिक्कत हो जाती है कि भाई जो है जो ड्राइवर्स होते हैं कभी कभी गलत तरीके से ड्राइव कर देते हैं गाड़ी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है भाई, उसमें फिर मोटा खर्चा पड़ जाता है जिससे बहुत रेगुलरली वो चीज़ हो रही है तो रेगुलरली में वो चीज़ में दिक्कत हो सकती है आने वाले समय में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू।